हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूडी मॉन। आज मैं लेके आई हूँ चीनी से बनने वाला आइसक्रीम, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें एक रुपए का भी खर्चा नहीं है और ये टेस्टी भी उतना ही होता है, गर्मियों के लिए सबसे अच्छा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक बोल में ले लेंगे आधा कप चीनी या फिर 7 से 8 टीस्पून चीनी। यहाँ पे आप पाउडर्ड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। अब हम इसे तब तक घोलेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाता। अगर आप पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जल्दी हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चीनी अब घुल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टीस्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस। और नींबू का रस डालने के बाद भी हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मिल गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही डाइल्यूटेड कलर। तो इसमें मैं पीले कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कलर से इसे कर सकते हो, और बहुत ही कम यूज़ करना है कलर, क्योंकि हम इसमें बहुत लाइट कलर चाहते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें कलर डाल सकते हैं। तो अब ये जो मिक्सचर है, इसे हम पेपर कप में या फिर आइसक्रीम मोल्ड में इस तरह से डाल लेंगे, और फिर इसे कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से। कवर करने के बाद हम इसमें करेंगे छोटा कट। तो चाकू की मदद से हम इसमें ऐसे छोटे से कट कर लेंगे ऊपर, और उसमें हम डालेंगे अपना आइसक्रीम स्टिक्स। और अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है तो आप इस तरह से स्पून्स भी डाल सकते हैं। अब इसे 7 से 8 घंटे या रात भर के लिए फ्रीज़र में फ्रीज करें। तो ये देखिए 8 घंटे बाद यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है, और अब हम इसे खोल के देखते हैं कैसा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्रीज हो चुका है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ज़्यादा डार्क नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो अब हम इसे कर लेते हैं डीमोल्ड। और डीमोल्ड करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा कट कर लिया हमने, और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल झंझट नहीं है इसमें। दूसरे को भी मैं डीमोल्ड कर रही हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बन चुका है, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।